नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं ज्ञाते मुर्शिद आई कैंप में, जो कि 27वां नेत्र जांच शिविर है डेरा सच्चा सौदा के द्वारा। जानते हैं लोगों से उनके विचार, जो यहां की सुविधाएं ले चुके हैं, कि उनकी क्या राय है इस कैंप के बारे में। चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रमन दीप। आपका? जोगिंदर कुमार। रमन दीप जी, कहाँ से आए हैं? हम रंगड़ी खेड़ा से आए हैं। आप लोग रंगड़ी खेड़ा से यहाँ आए हुए हैं, किस वजह से आप लोग इस आई कैंप में आए? हमारी माता जी का ऑपरेशन करवाया है आँखों का, इसलिए आए। आपने ऑपरेशन कराया है अपनी माता जी का, क्या उनका ऑपरेशन हो चुका है? हाँ जी, हो चुका है। अच्छा, आप ऑपरेशन करा चुके हैं, यानी यहाँ की सुविधाएं देख चुके हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, किस तरह की सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं, या सेवादार जो यहाँ काम कर रहे हैं उनका क्या व्यवहार है? जो सेवादार हैं, सारी सेवा वो खुद ही कर रहे हैं। अगर मरीज को वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम भी जाते हैं, खाने की कोई ज़रूरत हो तो खाना भी देते हैं, और सारी सुविधाएँ सेवादार ही कर रहे हैं। अभी हम परिवार के लोगों की ज़रूरत नहीं है, भी सारी सेवादारी कर रहे हैं। मतलब इतना इनका ख्याल रखा जा रहा है कि परिवार वाले नहीं, सिर्फ सेवादार ही उनको हैंडल कर रहे हैं हर तरीके से। खाना भी यहाँ फ्री है? हाँ जी, खाना भी फ्री है। खाना भी फ्री है दोस्तों, मेडिसिन भी फ्री है। और जानते हैं कि ऑपरेशंस का इनका कितना खर्चा आया है, कितना एक रुपया आपका लग गया है? हमारा कोई पैसा नहीं लगा जी। एक बहुत बड़ी बात सामने है कि ऑपरेशंस का भी कोई पैसा नहीं लगा है। आप थोड़ा सा आइडिया अगर आपको हो तो हमें बताइए कि कितना खर्चा लगभग आपका आ जाता है यदि आप बाहर कराते तो? वैसे तो 30-35 हज़ार के करीब खर्चा आ जाता है अगर बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएंगे। हाँ, बिल यहाँ पे बिल्कुल डेरा सोचा सौदा की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है जी। इनका कहना है कि यदि ये बाहर अगर करवाते ऑपरेशन तो 30 से 35 हज़ार इनका खर्चा आता, जो कि इस कैंप के द्वारा बिल्कुल मुफ्त कराया गया है। अंत में हमें बस इतना बता दीजिए कि क्या आप यहाँ की सुविधाएं लेने के बाद संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं, ये डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो पिताजी ने चलाई हुई है ये परम्परा, ये बहुत बढ़िया है। काफ़ी खुश और संतुष्ट नज़र आ रहे हैं लोग यहाँ की सुविधाएं लेने के बाद। ये थे हमारे साथ वो लोग जो अपने परिवारजन का यहाँ ऑपरेशन के लिए आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे और लोगों से भी जानते हैं उनके क्या विचार हैं इस कैंप के बारे में। चलिए चलते हैं।